अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस, ईद मुबारक। कुछ टाइम पहले मेरी वीडियो पे एक कमेंट आया था कि हम अपनी पिक्चर में से, इमेज में से फैंस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है। हम अपनी पिक्चर से फैंस को रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सिंपली मेरे पास एक ये इमेज है, ये कहा है, देन इसके ठीक सामने या आगे कह लें एक फेंस है। मुझे इस फेंस को रिमूव करना है। फेंस रिमूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फेंस की सिलेक्शन लेनी होगी। सिलेक्शन के लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक न्यू तरीका बताऊंगा अपनी सिलेक्शन लेने का। उसके लिए हमें जाना होगा क्विक मास्क मोड में। क्विक मास्क मोड में आप क्यू प्रेस करेंगे शॉर्टकट की है, तो ये देखें आपकी लेयर रेड हो गई या आपको क्विक मास्क मोड आपका ऑन हो गया। देन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप क्विक मास्क मोड में जा सकते हैं। मैंने यहाँ से क्विक मास्क मोड ऑन कर लिया है। देन मैं ब्रश लूँगा एंड ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा सा यहाँ बढ़ा कर रहा हूँ। एंड ब्रश से मैं अपने इस फेंस पे फेरूँगा, जो जो फेंस मुझे रिमूव करना है मैं उस पर फेरूँगा। यहाँ से जैसे मैंने यहाँ क्लिक करा एंड देन मैं शिफ्ट के साथ यहाँ प्रेस करूँगा, तो शिफ्ट का आपको पता है शिफ्ट बेसिकली करता क्या है। शिफ्ट आपकी जैसे एक लाइन फर्श करें, एक लाइन है, देन मुझे इसे ड्रॉ करना है बिल्कुल स्ट्रेट। जैसे आप शिफ्ट के साथ इसे ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ होगी। ऐसे ही इसने पेंट में काम करा है, मैंने यहाँ से क्लिक किया था, देन शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक किया तो बिल्कुल इसने स्ट्रेट इसे पेंट कर दिया। देन मैं क्यू करूँगा सेलेक्ट, तो ये आपकी जो मार्कर था, जो पेंट था वो सेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन मैं इसकी सेक्शन को थोड़ा सा एक्सपेंड करूँगा। मैं यहाँ सेलेक्ट में जाता हूँ, मॉडिफाई एंड देन एक्सपेंड। एक्सपेंड मैं इसे 5 pixels तक कर रहा हूँ। ऐसे 5 pixels तक कर लिया है एक्सपेंड। देन मैं इसे कंटेंट अवेयर करूँगा। कंटेंट अवेयर के लिए आपको पता है शिफ्ट के साथ बैकस्पेस प्रेस करना पड़ता है। जैसे मैंने शिफ्ट के साथ बैकस्पेस प्रेस किया, ये देखिए यहाँ कंटेंट अवेयर आ गया। मैं यहाँ से कंटेंट अवेयर सेलेक्ट करूँगा और थोड़ा सा वेट करें। ये देखें, ये आपका फैंस रिमूव हो गया। अब मुझे इस पूरे फैंस को रिमूव करना है, मैं इसकी पूरी की सिलेक्शन लूँगा। फिर से मैं क्यू के साथ क्विक मास्क मोड में गया हूँ। मैं यहाँ से ले रहा हूँ एंड देन शिफ्ट के साथ यहाँ थोड़ा सा इसे यहाँ कर लेते हैं एंड शिफ्ट के साथ यहाँ। थोड़ी बहुत इसकी लाइक डिटेल्स जाएंगी तो उसे हम क्लोन स्टैम्प टूल से एडजस्ट करेंगे। एंड देन यहाँ एंड देन शिफ्ट के साथ यहाँ एंड देन शिफ्ट के साथ यहाँ प्रेस इट शिफ्ट के साथ यहाँ। फिलहाल मैं इतना रिमूव कर रहा हूँ, तो अगेन क्यू प्रेस करें एंड देन इसे एक्सपेंड करेंगे। सेलेक्ट में जाके मॉडिफाई एंड देन एक्सपेंड, फिर से 5 pixels तक। ये 5 pixels तक है, मैंने इसे एक्सपेंड कर लिया। अगेन मैं शिफ्ट के साथ बैकस्पेस प्रेस करूँगा। ये अगेन कॉन्टेंट अवेयर आ गया। ऐसे आपने कॉन्टेंट अवेयर किया, थोड़ा सा वेट करें। ये देखें रिमूव हो गया। अब ये थोड़ा हिस्सा मतलब हमारी सिलेक्शन में नहीं आया, यहाँ से रिमूव हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, दोबारा से जब ये फेंस रिमूव करेंगे इसमें कवर कर लेंगे। कंट्रोल डी प्रेस करें, अगेन आप क्विक मास्क मोड में जाएं क्यू प्रेस करके एंड देन इस फेंस की दोबारा सिलेक्शन लेना शुरू हो जाए। इस बार मैं पूरी ले रहा हूँ। मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया है, यहाँ तक ला रहा हूँ एंड देन मैं इसे एंड तक ला रहा हूँ। मेरा माउस बहुत प्रॉब्लम कर रहा है आज, उसके लिए सॉरी। इसे यहाँ तक ले आया एंड देन यहाँ तक। देन मैं अगेन क्यू प्रेस कर रहा हूँ तो इसकी सिलेक्शन हो गई। अब देन मैं अगेन इसे एक्सपेंड करूंगा, मॉडिफाई में जाके एक्सपेंड एंड देन अगेन इसे 5 pixels तक एक्सपेंड कर रहा हूँ। थोड़ी सी मैं इसकी एक्सपेंड बढ़ा रहा हूँ, 7 pixels कर लेता हूँ क्योंकि 5 मुझे कम लग रही है। इसको 7 pixels तक कर लेते हैं। ये 7 pixels तक एक्सपेंड हो गया। देन अगेन शिफ्ट के साथ बैकस्पेस एंड कॉन्टेंट अवेयर यहाँ से सेलेक्ट करें। थोड़ा वेट करना पड़ेगा।
लेट्स सी इसका रिजल्ट कैसा आता है, बाकी जो थोड़ी बहुत डिटेल्स आएंगी उसे हम एडजस्ट करेंगे क्लोन स्टैम से। ओके सो ये देखें, ये हो गया सिंपली आपका फैंस रिमूव। सो ये पिक्चर वैसे भी इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर था, सो ये देखें कितना ईजली। और ये जो बचा है ये थोड़ा सा इसका ये जो स्कीम में घास फूस जो है, सो इसे हमें एडजस्ट करना है, तो मैं क्लोन स्टैम टूल लूँगा। वैसे सही है, इतना बुरा नहीं लग रहा, फिर भी मैं यहाँ से क्लोन स्टैम टूल लेके यहाँ से ऑल्ट के साथ ले लिया। ओके सो यहाँ से इसे एडजस्ट कर लिया, दैन ये ग्रास यहाँ आ रही है, यहाँ से दो कंटेंट अफेयर जाहिर है दूसरी जगह से, मतलब आपका बैकग्राउंड जो भी आपका सब्जेक्ट होता है वहाँ से लेके यहाँ फिल कर देता है कंटेंट अफेयर। सो मैं यहाँ से दोबारा क्लोन स्टैम टूल से यहाँ से ले रहा हूँ एंड देन यहाँ से एंड देन यहाँ से ओके सो सिंपली आप ऐसे अपना फैंस रिमूव कर सकते हैं। सो होप्स आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। बाय द वे गाइस, मैं एक चैलेंज कर रहा हूँ 100 डेज ट्यूटोरियल चैलेंज। सो 100 डेज तक डेली मैं अपने इस चैनल पे ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा, 1 मिनट के ट्यूटोरियल भी हो सकते हैं, 2 मिनट के भी, 4 मिनट के लिए भी, लॉन्ग भी शॉर्ट भी। सो मैं किसी भी टाइम कर दूंगा क्योंकि अब बहुत मुश्किल है 100 डेज, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसे कंप्लीट करूँ। सो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर ट्यूटोरियल्स। अल्लाह हाफिज़। और शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें।